भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान प्रदेश के मुखिया की जमकर तारीफ की। संबित पात्रा ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि एक बीमारू राज्य को विकास का अमली जामा भाजपा शासन काल में ही पहनाया गया। पात्रा ने कहा कि रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ में विकास किया है, इसी के बल पर चुनाव के नतीजे भी 65+ को पार कर लेंगे। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि रमन सरकार ने स्वास्थ्य सुविधा को घर घर पहुंचाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि रमन सरकार ने न सिर्फ महिलाओं को सशक्त बनाया है बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ा काम किया है। विकास के आईने को जनता समझती है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में विकास की सीढ़ी का मुकाबला सीटी से है, कांग्रेस इस बार चुनाव की रेस में कहीं नहीं है। संबित ने चुटीले अंदाज में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, एक बैल एक रिबेल, एक का बना सीडी का खेल नहीं बना तालमेल। कांग्रेस बौखलाई हुई है और मुद्दा नहीं होने की वजह से निराधार आरोप लगाने में लगे हुए हैं। छत्तीसगढ़ में पुनः रमन सरकार रिपीट होगी, 65+ सीट लेकर 65+ सीट लेकर डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार, भाजपा की सरकार पुनः छत्तीसगढ़ में विकास के बयार को आगे बढ़ाएगी। देखिए, जहां तक मूल मुद्दा है छत्तीसगढ़ में या मूल मुद्दा भारतवर्ष की राजनीति में है, वो मूल मुद्दा 2014 के पश्चात केवल और केवल विकास का है और विकास के इर्द गिर्द ही ये डिस्कशन होता है।